हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि हम घर पर स्पीकर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है 4.1 और ये स्पीकर हैं जो कि इनमें वायर जो है काफ़ी दिन से ख़राब हो डैमेज हो चुका है, कट चुका है। तो अब हम स्पीकर को चेक करेंगे कि स्पीकर सही है या नहीं, और उसके बाद हम वायर को रिप्लेस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, स्पीकर को उल्टा रखेंगे और जो ये चार होल हैं इनमें से स्क्रू को ओपन करेंगे। हमने स्पीकर को खोल लिया है, अभी हम स्पीकर को चेक करेंगे कि हमारा स्पीकर सही है या ख़राब। इसके लिए दो तरीके हैं साथियों, एक तो मल्टीमीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे और सबसे पहले हम मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं कि हमारा सही, जैसे कि आप देख रहे हैं बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा काम कर रहा है। अभी हम स्पीकर के दोनों जो वायर हैं प्लस माइनस, इनमें लगा करके देखेंगे। यदि इसमें बीप साउंड आएगा तो इसका मतलब हमारा स्पीकर सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये स्पीकर हमारा सही है और साथ में कुछ रीडिंग भी आ रही है। और दूसरा तरीका ये है साथियों, हम एक घड़ी का सेल लेंगे और इसके प्लस माइनस के साथ एक तार कनेक्ट करेंगे। प्लस में हमने जैसे कि रेड वायर लिया है और माइनस में जैसे कि हमने ब्लैक वायर लिया है, इसकी सहायता से भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हम इनको दोनों पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करेंगे स्पीकर के साथ, तो स्पीकर से कुछ आवाज़ आती है तो इसका मतलब हमारा स्पीकर सही है। तो जैसा कि देख पाएंगे आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्पीकर से आवाज़ है, इसका मतलब हमारा स्पीकर सही है। तो साथियों, हम इसका जो है वायर को रिप्लेस करेंगे, चेंज कर देंगे। तो अब हमें ये देखना है साथियों कि वायर को हम दो पॉइंट रहते हैं प्लस और माइनस, तो जैसा कि हमारे स्पीकर पे कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है प्लस माइनस, तो हम इसको प्लस माइनस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो साथियों, अब हम स्पीकर में प्लस माइनस का पता कैसे लगाएं, इसके लिए हम यही सेल लेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस रेड वायर को यहाँ कनेक्ट करेंगे और जो ब्लैक वायर है इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यदि हमारा पर्दा ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये प्लस का, ये प्लस का है पॉइंट और ये माइनस का है। तो अभी जैसे कि अभी लगाएंगे तो पर्दा जो है हल्का सा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर ये उल्टा लगा करके देखेंगे, अभी प्लस इधर लगा करके देखेंगे और माइनस इधर लगा करके देखेंगे, तो क्या होगा कि हमारा पर्दा जो है अंदर की तरफ जाएगा। तो साथियों, इसकी सहायता से हम आप आसानी से जो है प्लस माइनस पता कर सकते हैं। तो अभी हमने प्लस माइनस पता कर लिया है, अभी हम वायर लेंगे एक छोटा सा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कोई भी वायर आप ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, छोटा बड़ा, और इसको सोल्डरिंग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम रेड वायर को प्लस का उस पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। और ब्लैक वायर को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसा कि वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है, अभी हम वायर को इस तरीके से वो करेंगे जिससे कि ये वायर हमारी बाहर की तरफ न खींचे, और हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसको
बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चार स्क्रू की सहायता से हम इसे बंद करेंगे। अभी हम दूसरी तरफ से ये पिन लेंगे जो कि आसानी से आपको मार्केट से ख़रीद सकते हैं, 5 रुपये का मिल जाएगा। और इसके दोनों पॉइंट, जैसा कि रेड वायर इसमें जो सबसे जो मिडल में है ये रेड वायर के लिए है, प्लस पॉइंट है, और ये माइनस पॉइंट है। तो हम रेड वायर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो उससे पहले, लगाने से पहले वायर, हम इसको पहले ही वायर में अंदर से ले लेंगे क्योंकि बाद में ये लगाने में हमें परेशानी होगी, लग नहीं पाएगा। और रेड वायर को जो हमने इसके मिडल में जो पॉइंट था प्लस का, उसके साथ कनेक्ट कर लिया। और अभी जो ब्लैक वायर है इसको कनेक्ट करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम सोल्डरिंग कर लें। अभी हम इसको बंद कर देंगे। जैसे कि इसमें थ्रेडिंग है, ये बंद हो गया। और अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने कनेक्ट कर दिया है, और अभी हम इसका वॉल्यूम ऑन करेंगे। हमारा स्पीकर जो है सही हो गया है। इसी प्रकार हम जो बाकी के 3 स्पीकर हैं इनकी भी वायर चेक करेंगे और स्पीकर को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार हमारा म्यूजिक सिस्टम तैयार है। सभी स्पीकर को हमने रिपेयर कर लिया है। और इस प्रकार आप भी अपने स्पीकर घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।